सो so, हम प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर आ, वर्क कर रहे हैं प्रीवियस टू टॉपिक्स से टेक्स्ट कमांड इन ऑटो कैड और दो हमने ड्रा करना सीखा है सिंगल लाइन टेक्स्ट कमांड और हमने देखा कि किस तरह आ, सिंगल लाइन टेक्स्ट कमांड के मल्टीपल ऑप्शंस में हम वर्क कर सकते हैं बट इस जिस लेक्चर को अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस टॉपिक को अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है कैट के अंदर एंड दैट इज़ मल्टी लाइन मल्टी लाइन भी कह सकते हैं यू कैन यू कैन टर्म इट एज मल्टी लाइन टेक्स्ट कमांड अब इस कमांड के अंदर जो हमारे प्रोजेक्ट्स आगे आएंगे हमने जो अपना हाउस प्लान पे वर्क करना है आपने फॉर एग्जांपल एक एक हाउसिंग स्कीम पे आप वर्क कर रहे हैं आप कोई लेआउट डिज़ाइन बना रहे हैं उसमें नॉर्मली जितनी जगह पे हम टेक्स्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो टेक्स्ट हमारी मल्टी लाइन टैक्सट कमांड होती है अब देर आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ़ यूजिंग मल्टी लाइन कमांड यानी मल्टी लाइन कमांड को सिंगल लाइन टेक्स्ट कमांड से काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं uh, हमने देखा था कि किस तरह हमने जब एक सिंगल लाइन टेक्स्ट कमांड लिखी थी और हमने उस पर क्लिक कर दिया था तो हमारे पास बहुत लिमिटेड एक ऑप्शन थी कि हम उस टेक्स्ट को रिड्यूस कर सकते हैं या इनक्रीज़ कर सकते हैं बट फर्ज uh, करें मिसाल के तौर पे हमने उसका टेक्स्ट साइज़ बदफोड़ साइज़ बदलना हो हमने उसकी कलर के ऊपर वर्क करना हो हमने उसके एंगल के ऊपर वर्क करना हो हमने मैच प्रॉपर्टी की कमांड लगानी हो हमने को, कोई और हमने कोई चीज़ इंपोर्ट करनी हो हम देखेंगे कि मल्टी मल्टी लैंड टेक्स्ट कमांड में हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम कोई टेक्स्ट फाइल कोई नोट पैड फाइल जो एक सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल है हम वो करके भी देखेंगे कोई हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ कहीं पड़ा है उस टेक्स्ट को डायरेक्टली हम इम्पोर्ट कर सकते हैं इन इन आर आटो कैड तो मल्टी लाइन टेक्स्ट कमांड की uh, बहुत ज़्यादा यूज है जब आप बात करते हैं और मेनली uh, जो इसके अंदर हमने देखा कि ऑप्शन क्या है कि इसके अंदर एडिटिंग के मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं यानी हमने कुछ जो लिख लिया है उसके अंदर जो मॉडिफिकेशन हैं उसके ऑप्शन एज कम्पेयर टू सिंगल लाइन टेक्स्ट कमांड बहुत ज्यादा हैं और अभी हम क्विकली मैं आपको ये ओवरव्यू करके दिखा भी दूंगा एक सिंगल लाइन टेक्स्ट ऑलरेडी हमारे पास लिखी हुई मौजूद है स्क्रीन पे और हम देखेंगे कि जब हम उस पर क्लिक करते हैं तब हमारे पास कितनी एडिटिंग के ऑप्शन हैं और अगर हमारे पास मल्टी लाइन टेक्स्ट कमांड सेम वर्ड लिखे हुए हैं दोनों में उसके अंदर हमारे पास कितने ऑप्शन मौजूद हैं अब हम बढ़ते हैं ये हमारा पार्ट वन है इसके अंदर हम क्योंकि ये काफ़ी बड़ी कमांड है तो इसके कुछ ऑप्शन विल सी इन दिस पार्ट एंड रिमेनिंग रेस्ट ऑफ ऑप्शन डेफिनेटली विल विल सी इन 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 नेक्स्ट पार्ट जो हमने आगे जाके करना है सो so, अब हम बढ़ते हैं कैट की तरफ ताकि हम इस कमांड को इस्तेमाल करके देखें मेरे पास हमारी प्रीवियस ड्राइंग जिसमें हम वर्क करते आ रहे हैं हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं क्योंकि इस पर भी हमने कोई काम नहीं करना सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट कमांड टेक्स्ट की ही कमांड है बट दैट इज मल्टाई और मल्टी लाइन टेक्स्ट कमांड अब हमारे पास ऑप्शन हैं अगेन ड्रा में चले जाएँ ड्रा में से टेक्स्ट और टेक्स्ट में से मल्टी लाइन टेक्स्ट सो जैसे हम मल्टी लाइन टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं अगेन uh, उसी तरह के ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट पहला पॉइंट हमने क्लिक किया वी आर हैविंग सर्टन ऑप्शन नेक्स्ट लेक्चर अभी हमने डायरेक्ट क्लिक की और हमने दूसरा पॉइंट फर्स्ट क्या किया हमने ड्रा uh, के अंदर से टेक्स्ट कमांड में से मल्टी लाइन टेक्स्ट कमांड पहला पॉइंट दिया और जहां पे आप चाह रहे हैं जहां पे इट इट डिपेंड्स आप कहाँ पे एंड करना चाह रहे हैं आपने दूसरा पॉइंट दिया आपने क्लिक की रूलर जो है ये से रूलर कहते हैं हम एक्चुअली ये रूलर है हमारा इसको ये आपके सामने ओपन हो गया है और ऑप्शन हमारे सामने आ चुके हैं ये रूलर को देखें हम इसको ड्रैग भी कर सकते हैं अगेन और कर्सर से और अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं से ए बी सी डी ई एफ समथिंग और पाकिस्तान uh, अगेन हम वही टेक्स्ट लिख लेते हैं इज माई बिलवड कंट्री सो हमने कोई भी चीज़ थी वो लिख ली है इसको हम यहाँ पे क्लिक कर दिया सो so, ये हमारे पास ऑप्शन uh, यहाँ पे हमने क्लिक की तो मौजूद है अब इसको अदर अगर हमने एडिटिंग करनी है चेंज करना है तो हम इस पर अगेन डबल क्लिक करेंगे जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास दोबारा सेम जो है वो आप नोट करें तो ऑप्शन uh, मौजूद है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की टैब हमारे सामने ओपन है अब uh, फर्ज कर बड़ी इंपॉर्टेंट एक कमांड हम अभी जो ये परफॉर्म करने जा रहे हैं एंड दैट इज सपोज इफ आई वॉन्ट टू चेंज फॉन्ट स्टाइल ऑफ दिस टेक्स्ट अभी जो है दैट इज इन एरियल मेरे पास आई है सर्टेन ऑप्शन लुक एट दिस सो वी आर हैविंग कैलिब्री एज वेल देन वी आर हैविंग टाइम्स न्यू रोमन हमारे पास सो मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं सपोज मैं चेंज करना चाह रहा हूँ और मैं क्लिक कर देता हूँ किसी भी uh, किसी भी टैक्स में दैट इज टाइम्स न्यू रोमन सी ई जैसे मैंने क्लिक किया बट कुछ चेंज नहीं हुआ आप नोट करें क्लिक हो गई है बट uh, जो टेक्स्ट है दैट इज एज इट इज जो पहले था अब कैड में जब भी अनवर्ड हमने इस चीज़ को इंश्योर करना है जब कभी इन 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 ऑटो कैड हम कै uh, करना चाह रहे हैं कोई भी ऑपरेशन किसी चीज़ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं दैट ऑब्जेक्ट मस्ट बी सिलेक्टेड ये पहले भी हम बात कर चुके हैं ये दोबारा भी बात हम करते रहेंगे ये ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन बहुत मैंडेटरी है अभी क्योंकि हमने टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं किया था तो उसने उसको चेंज नहीं किया सो टेक्स्ट सिलेक्शन जो है दैट इज मैंडेटरी वन हम अब देखें क्या करते हैं टेक्स्ट को कर लेते हैं सिलेक्ट और अब हम चेंज करते हैं इसका फोन स्टाइल अब आप सपोज uh, हम यहां पर आप नोट करें जैसे जैसे हम चेंज करते जा रहे हैं तो फॉन्ट स्टाइल तो ये ऑटोमेटिकली आपका टेक्स्ट ये किसी और उसमें चला गया है डिजिट्स में और सपोज दिस दिस वन वन यस सो आपके पास ऑप्शन ऑप्शन आप कोई भी इसमें से अप्लाई करना चाहें सो so, uh, हम बात बार बार कर रहे थे कि हमारे पास ऑप्शन मैक्सिमम होते हैं सो so, ये हमारे पास ऑप्शन थी फॉन्ट स्टाइल चेंज करने की इसके बाद हम इसको बाद में देखते हैं आगे चलते हैं इसके साथ पैरल ऑप्शन हमारे पास है टेक्स्ट हाइट की करंटली दैट इज़ 50 फीट एंड 3 इंचज वी कैन स्पेसिफाई एनी हाइट से हम इसको 50 को 100 करके देख लेते हैं 100 फीट और इसके बाद हम इसको लेट्स प्रेस ओके तो अब नोट करें तो क्या हुआ है टेक्स्ट डबल हो गई तकरीबन तो फिफ्टी थी तो हंड्रेड हो गई है अगेन इस पर हम क्लिक कर लेते हैं जैसे हम क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट uh, हमारी जो फॉर्मेटिंग है उसका बॉक्स हमारे सामने ओपन है अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर इसको सेलेक्ट करते हैं हमने स्टार्ट में चेंज किया फॉन्ट स्टाइल देन फॉन्ट साइज जो भी आप रखना चाहें अगेन टेक्स्ट सेलेक्ट करें और फॉन्ट साइज चेंज कर दें इसके साथ हमारे पास ऑप्शन है बोल्ट यस वी कैन ये देखें हम बोल्ड करते हैं और वापस आते हैं तो ये हमारे पास ऑप्शन है और देन इस पर डबल क्लिक करके हम वापस आ जाते हैं हमारे पास और कौन सी ऑप्शन हैं इसको हम यहां ड्रैग करके रखते हैं बोल्ड किया इटैलिक यस yes, ये आप देखें उसने उसको चेंज कर दिया इन यस यू कैन अंडरलाइन दैल इसके बाद अब मैच प्रॉपर्टी की कमांड पे आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है और कई जगह पर इसका इस्तेमाल है मैच प्रॉपर्टी क्या करती है कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट जो है आपने ड्रॉ किया हुआ है और अब आप चाहते हैं उसकी फॉर्मेटिंग आपने कर दी है आपने से एक लाइन लिखी है उसको आपने फोन साइज चेंज किया है फोन स्टाइल चेंज किया है कलर चेंज कर दिया है ना वट यू वॉन्ट आप चाहते ही हैं कि यही वाला जो सारी सेटिंग्स हैं ये किसी और लाइन पे एज इट इज़ अप्लाई हो जाए मुझे ये नहीं कि बार बार एक एक लाइन के अंदर वर्क करना पड़े क्यों ना हो कि ये जो एक लाइन मैंने तब्दील की है ये सारी चीज़ें ये ख़ुद ब खुद बाकी जगहों पर जाकर अप्लाई हो जाए इसे कहते हैं मैच प्रॉपर्टीज़ के प्रॉपर्टीज़ को मैच करना सो so, यहाँ पे अब हम फर्ज़ करें ये मैंने कुछ सेटिंग्स कर ली हैं और इसका कलर भी मैं यहाँ से रेड कर देता हूँ इसको मैटर करते हैं और हम इसका कोई और कलर में सपोज हमने ब्लैक कलर में और ये हमने कोई लाइंस लिख ली और इसका हमने फ़ॉन्ट साइज जो है वो 50 यहाँ पे सिलेक्ट करके 50 करेंगे हम अगेन तभी 50 होगा तो ये हमने 50 कर लिया अब व्हाट आई वांट मैं चाहता हूँ कि ये जो सेटिंग्स हैं ये जो मैंने अंडरलाइन किया है या रेड कलर में लिखा है या जो कुछ भी इसके अंदर सेटिंग्स हैं ये एज इट इज़ इसमें अप्लाई हो जाए तो आपने क्या करना है सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसकी सेटिंग्स आप दूसरे पे अप्लाई करना चाह रहे हैं Just, just जैसे मैंने मैच टेक्स फॉर्मेटिंग की कमांड अप्लाई की है अब वो कह रहा है कि आप अपलाई करें जहां पर आप करना चाह रहे हैं इस पर अप्लाई करनी है ये देखने आप तो खुद ब खुद जहां से मैंने कॉपी की जहां मैंने पेस्ट की तो उसने वही सारी सेटिंग्स को जो है वह यहां से पिक कर लिया है ये भी ऐसे ही है आप इसको एंटर करते जाएंगे तो आपके पास सिंगल लाइन टेक्सट कमांड की तरह ऑप्शन आ जाएगी नेक्स्ट लाइन की एंड एंटर कमांड से कमांड एंड नहीं होगी बल्कि ये आपके पास नेक्स्ट लाइन की ऑप्शन जो है वो आपके सामने दे देगा अब जो है आ, हमारे पास इसके साथ कौन सी ऑप्शन ओके का बटन प्रेस करेंगे तो डेफिनेटली ये ओके हो जाएगा क्विकली हम एक दो और चेक करके फिर हम आ, बाकी ऑप्शन नेक्स्ट में देन वी आर हैविंग ऑप्शन हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है दैट इज इंसर्ट फील्ड हम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप इस पर क्लिक करें ये हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं अगर हम ऑथर पे वर्क कर रहे हैं अभी हम नहीं ऐसा कुछ काम कर रहे हैं कमेंट्स देना चाह रहे हैं आप वो ऐड कर सकते हैं सो so, ये हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है अगर हम सपोज हम यहाँ पे डेट ये हमारे पास एक ऑप्शन है हम आज की डेट जो कुछ जो भी आ रही है लिखना चाह रहे हैं सो so, अगर सपोज आप यहाँ पे ओके okay का बटन प्रेस करते हैं तो खुद ब खुद ये आपको डेट की ऑप्शन भी दे देगा सो इट डिपेंड्स कि आप आ, क्या चीज कौन सी फील्ड अगेन इन फील्ड मेन्यू यू कैन सी प्लेंटी ऑफ ऑप्शन आर आर देयर डेट के बहुत सारे फॉर्मेट्स मौजूद हैं आपने कमेंट्स uh, ऐड करने यहाँ ऐड कर सकते हैं इसको यहाँ से क्रॉस करते हैं हम अब वापस आते हैं इसके बाद हमारे पास सिंबल की ऑप्शन है सपोज हम इससे नीचे आते हैं एंटर करते हैं और हमारे पास uh, यहीं पे आकर ये दिस जो हमारे पास डाउन एरो है यहाँ पे ऑप्शन है सिंबल की तो ये हमारे पास बहुत सारे सिंबल अगर टेक्स्ट आप ऐड करते जा रहे हैं और आपको डिग्रीज का या प्लस माइनस का सिंबल ऐड करना है सो ऑल यू नीड टू डू इज आप सिंबल प्लस माइनस के साइन पे क्लिक करेंगे तो ये साइन खुद ऐड हो जाएगा इसके साथ यू आर हैविंग अदर ऑप्शन एज वेल सिंगल में आए डायमीटर uh, के ऑप्शन मौजूद है डेल्टा की ऑप्शन है आइडेंटिटी है सो so कुछ भी आप अदर्स में जाके आप और भी कुछ ऐड कर सकते हैं सो so ये हमारे पास सिम्बल्स uh, भी हमने कर लिए रूलर रूलर क्या करता है जब आप रूलर पे क्लिक करते हैं तो रूलर एक्चुअली आपका ये जो साइज है इसको आप कम या ज्यादा कर सकते हैं ये जो हमारा रूलर साइज है अब फॉर एग्जाम्पल आप वर्क कर रहे हैं ये देख लें आप तो इसको हम यहाँ से uh, करते हैं ड्रैग सो वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज साइज ऑफ दिस रूलर एज वेल इसकी विड्थ को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं इसके साथ हमारे पास लास्ट uh, ऑप्शन इस टॉपिक को हम देखते हैं बाकी हम विल कवर इन इन नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज ये हमारे पास हम इसको नहीं चेंज करते हैं ये हमारे पास है अलाइनमेंट ऑफ आर टेक्स्ट ये टेक्स्ट हमने लिखा है इसको हमने किस तरह अलाइन करना है इस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करते हैं अगेन सेलेक्ट करने के बाद ही कोई कमांड ऑपरेट होती है सो टॉप सेंटर करना है तो आप नोट करें ये टेक्स्ट सेंटर में आ गया है आपने टॉप राइट right करना है तो ये राइट साइड पर चला जाएगा आपने इसको मिडिल सेंटर करना है तो ये हमारा टेक्स्ट जो है दैट इज मिडल सेंटर सो वी कैन वेरिएट आप इजिली जो है जिस तरफ अपने टेक्स्ट को नॉर्मली ये आपका टॉप लेफ्ट में होता है बट यस यू कैन चेंज और इधर से भी चेंज कर सकते हैं ये भी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है यहाँ से हम पिक कर सकते हैं बट ये जो है ऑलरेडी इसकी हमारे पास आइकॉन्स हैं तो आप इन आइकॉन से ये और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं लास्ट कमांड इस टॉपिक की दैट इज फॉर एग्जांपल अभी है मैं इसको कर देता हूं, तो आप नोट करें क्या हुआ लाइन डिस्टेंस हैज बीन इंक्रीज ये आप नोट करें अब हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा के टू पॉइंट फाइव करते हैं तो ये और बढ़ता जा रहा है और आप अगर इसे वन करते हैं यहाँ से अगेन तो क्या कर रहा है ये ये डिस्टेंस आपकी जो है वो कम या ज्यादा तो ये हमारे पास ये थी हमारी अलाइनमेंट की और दिस इज द ऑप्शन हम वन uh, से इसको अगर फर्दर uh, बढ़ाना चाहें सो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम इसके रिमेनिंग uh, ऑप्शंस को कवर करेंगे सो so, हमने एग्जीक्यूट uh, करके देखा है मल्टी लाइन टेक्स कमांड को और हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस थी एडिटिंग की uh, कुछ ऑप्शंस जो हैं हमने यहाँ से अभी पिक की हैं उनको हमने एग्जीक्यूट किया और हमने देखा कि किस तरह कलर चेंज हो रहा है उसका हमने uh, उसके जो है वो फॉन्ट साइज बदला स्टाइल चेंज किया उसकी अलाइनमेंट के ऊपर हमने बात की कुछ सिंबल्स अगर हमने ऐड कर रहे हैं वो किए है। अभी काफ़ी सारी ऑप्शंस इसकी रहती हैं और अभी हमने जस्ट ड्रा मेन्यू में से इसकी कमांड देखी एग्जीक्यूट एक्जीक्यूट करने की सो so, हमारा जो अगला टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक होगा मल्टी लाइन के ऊपर उसमें हम हमारी जो रिमेनिंग ऑप्शन हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे